नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर आपके हमारे इस खास रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज के इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे मैनपुरी सीट की। जी आपको बता दें कि देखिए मैनपुरी सीट को लेकर के जिस तरीके से चारों तरफ सरगर्मी फैली हुई है, उसके बाद एक के बाद एक जो है मुद्दे उठते रहे हैं। और उन मुद्दे को लेकर के अगर हम बात करें तो देखिये आज एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर डिम्पल यादव को कोई दे सकता है तो वो है अपर्णा यादव। और ये बात भाजपा को अच्छे से पता भी है। देखिये भाजपा जो है एक तरफ देख रही है कि डिंपल यादव की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, एक तरफ देख रही है कि उनके समर्थक भी ज्यादा है, दूसरी तरफ देख रही है कि यहां पर जो अखिलेश यादव सही समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन भी मिला हुआ है, और तीसरी तरफ ये भी देख रही है कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू होने के नाते जनता उन्हें बहुत प्यार भी कर रही है और एक सुरक्षित सीट के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की सीट बनती जा रही है। वही दूसरी तरफ भाजपा को यह भी चाहिए कि इस सीट पर इस बार चाहे कैसे भी हो लेकिन सेंधमारी की जाए, लेकिन वो सेंधमारी कैसे की जाएगी ये नहीं पता। अब देखिए सेंधमारी को लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठता रहा है और इसी मुद्दे को देखते हुए यहाँ पर जो भाजपा की तरफ से जो हवाएं जो रुख हमारे सामने निकल कर के आ रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर हम आपको बताते चले तो देखिए अपर्णा यादव सामने से चैलेंज देती हुई जरूर नजर आ रही है डिंपल यादव को। देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि डिंपल यादव वर्सेज अपर्णा यादव की जो लड़ाई है वो आखिरकार अब दोनों बहुओं को किस नए मोड़ पर लेकर के जाएगी, क्योंकि दोनों बहू आपस में टकराते हुए तो जरूर दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार छोटी बहू या बड़ी बहू, क्योंकि चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे राजनीति में अपने करियर का मामला हो या फिर घर की बात हो, हर जगह जो है अपर्णा यादव से आगे डिंपल यादव ही रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि छोटी बहू जो है वो हर बार जहां पीछे रहती है क्या इस बार आगे निकलने का काम करेंगी या नहीं, या फिर भाजपा किसी और के चेहरे पर दाव खेलेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।